नमस्कार, ये है रन अप और जानिए खेल जगत की बड़ी खबरें। बैडमिंटन के फ्रेंच ओपन के पहले दिन भारत की पीवी सिंधु ने अमेरिका की ब्यूएन झांग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। झांग वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेनमार्क ओपन के पहले मैच में ही सिंधु को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने देर रात खेले गए मुकाबले में मलेशिया के साथ गोल रही ड्रॉ खेला। भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट में अजय रही है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी चोट से उबर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे। आईएसएल में आज गोवा एफसी का मुकाबला मुंबई सिटी एफसी से होगा। ये मुकाबला गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। आज के लिए इतना ही। खेल जगत की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए रन अप के साथ।